हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर कल कांग्रेस पार्टी से गौरव वल्लभ जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और बीजेपी का हाथ थामा है, तो क्या कहेंगे अब दोनों गौरव की ये जो जोड़ी है वो चुनाव में क्या कमाल करेगी? नरेंद्र मोदी जी देश का गौरव है और गौरव जब देश का बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का गौरव भी बढ़ रहा है। ये तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जहाँ पे आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम, उसको निखारा जाता है और सराहा जाता है। इसीलिए जो युवा हैं देश के, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निर्माण के लिए कार्य करना चाहते हैं। जी सर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के आरोप में 25 ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई, इस पर क्या बोलेंगे? इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह तेज़ी दिखा गया और बिंदुवार तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है जहाँ जहाँ न्यायालय के ऑर्डर्स हैं, और अगर कोई दोष मुक्त होता है तो डिस्चार्ज होता है तो वो भी न्यायालय से होता है। कितनी बार जो पेंडेंसी होती है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन उसके बाद न्यायालय जो है वो तय करता है कि किस पेस से मुकदमा चलेगा। ये सब बातें इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्रेस है वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। सर दिल्ली की अगर हम इस बार बात करें तो दिल्ली में 7 जो लोकसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक महागठबंधन बनाकर सामने आ रही है, तो इससे बीजेपी को कितना असर पड़ेगा? जब आप बहुत मजबूत होते हैं और जनता आपको आशीर्वाद देती है तो विपक्षी कमज़ोर हो गए हैं और उनमें दमखम नहीं है अकेले लड़ने का आपके सामने। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यही होता है कि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जितने दल हैं इंडिया अलायंस के, ये भ्रष्टाचारियों का गुट है, वंशवादियों का गुट है, और जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी, दिल्ली में 7-7, उत्तर प्रदेश में 80-80 और भारत में 370 प्लस भाजपा और 400 प्लस एनडीए की सीटें आने वाली है। बहुत धन्यवाद सर। आप थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, जो चुनावी मंचों पर बहुत मजबूती के साथ बीजेपी की बात रखते हैं और इस बार उन्होंने इस मंच के माध्यम से भी 400 पार की बात कही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में जनता क्या परिणाम दिखाती है।